सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट पर अपना अकाउंट किस तरह लॉग इन करें। तो गाइज, अगर मेरे चैनल पर सब लाइक नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो गाइज, मेरे वीडियो को बने रहिए एंड तक बिना स्किप करे। तो गाइज, आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आएगा। तो गाइज, चलते हैं हमारे होम स्क्रीन पर। फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं हमारे होम स्क्रीन पर। तो गाइज, सबसे पहले हम हमारा प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद गाइज, हम यहाँ सर्च फील्ड में सर्च कर लेंगे। फ्लिपकार्ट, तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ ऊपर आ चुका है। तो गाइज, सिंपल से हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो गाइज, ये ज़्यादा MB का नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये सादा सिंपल 18 MB का है गाइस, तो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा तो डाउनलोड हो रहा है इजीली। तो गाइस, मेरा डाउनलोड हो चुका है इजीली। तो मैं आपको बताता हूँ, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, ये सेटिंग पूछेंगे आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। तो गाइस, मुझे तो इंग्लिश चाहिए, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे स्क्रॉल करके। तो आप देख सकते हो यहाँ कंटिन्यू का बता रहा है, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। या नीचे मैंने कंटिन्यू कर लिया है। तो गाइस, सादा सा कुछ करना नहीं आपको। ऊपर लेफ्ट साइड में आप जो देख सकते हो, सीधे हाथ की तरफ लॉगिन बता रहा है, तो लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो गाइस, मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइस, आपको यार कंटिन्यू पर दबा देना है। तो गाइज, आपका जो है तो मैं वेरीफाई कोड आएगा, वो वेरीफाई होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाई होके लॉग इन हो जाएगा। तो गाइज, बहुत सिंपल है लॉग इन करना। तो गाइज, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।